आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मंगलवार को चिटगुप्पा पुलिस स्टेशन में आगामी ईद उल अजहा के संबंध में पीस मीटिंग की गई आयोजित। कर्नाटक के हुबली में सरल वस्तु फेम चंद्रशेखर गुरुजी की हत्या, पुलिस ने दो को हिरासत में लिया, दिन दहाड़े होटल में मारा था चाकू। महाराष्ट्र के नासिक में अफगानिस्तान के मुस्लिम धर्म गुरु सूफी बाबा की गोली मारकर की गई हत्या। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर भड़काऊ बयान देने पर अजमेर दरगाह के एक खादिम को किया गया गिरफ्तार। पीएम मोदी गुरुवार को होंगे वाराणसी के दौरे पर, 1821 करोड़ रुपए की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। कुल्लू में फटा बादल, हिमाचल में कई जगह बाढ़, भूस्खलन से एक की हुई मौत, 6 हुए लापता। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को चिटगुप्पा पुलिस स्टेशन में आगामी ईद उल अजहा के संबंध में पीस मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग की अध्यक्षता सीपीआई अमूल काले ने की, जबकि चिटगुप्पा के प्रसिद्ध नेता हाजी सैयद शानुल हक बुखारी और चिटगुप्पा के कई प्रसिद्ध व्यक्तियों, काउंसलरों और सभी धर्मों के लोगों ने इस बैठक में भाग लिया। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇದೆ, ಅದು ಏನದು ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಅದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇವು ಎಲ್ಲ ಏನು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇದಾವ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಒಂದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಭಾವ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆದು ಜನರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾವ. ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದು ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾವ, ಜಗಳಗಳು ಆಗ್ತಾವ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ, ತಂದೆ ಮಗ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿಯೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಕ್ಕದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹತ್ರ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. कर्नाटक के हुबली जिले में बीते मंगलवार को सरल वस्तु से देश में मशहूर हुए चंद्रशेखर गुरुजी की निर्ममता से दो लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। आरोपितों ने दिन दहाड़े हुबली के एक होटल में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। घटना होटल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक पुलिस ने हत्या के सिलसिले में दो लोगों को हिरासत में लिया है। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के गृह मंत्री अलागा ज्ञानेंद्र ने कहा, आयुक्त ने टीमों का गठन किया था। आरोपियों के नाम महांतेश और मंजुनाथ हैं। वे वही हैं जो सीसीटीवी में देखे गए हैं। हुबली के पुलिस आयुक्त तो लाभो राम के हवाले से कहा गया है कि महांतेश शिरू और मंजुनाथ मारेवार गुरुजी के पूर्व कर्मचारी थे, जिन्हें बेलगाम पुलिस की मदद से एक कार में भागने की कोशिश के दौरान हिरासत में ले लिया गया था। महाराष्ट्र के नासिक में मंगलवार को एक मुस्लिम धर्मगुरु की गोली मारकर हत्या कर दी गई। धर्मगुरु का नाम सैयद चिश्ती है, जिन्हें सूफी बाबा के नाम से जाना जाता था। सैयद चिश्ती अफगानिस्तान के नागरिक थे और बहुत सालों से नासिक के येवला में रह रहे थे। स्थानीय एसपी सचिन पाटिल के अनुसार चश्मदीदों ने बताया है कि उनके ड्राइवर ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में एक संदिग्ध से पूछताछ चल रही है। सैयद चिश्ती अफगानी नागरिक होने की वजह से खुद के नाम पर जमीन नहीं खरीद सकते थे, इसलिए उन्होंने स्थानीय लोगों को साथ लेकर संपत्ति बनाई थी। शक है कि जमीन विवाद को लेकर ही हत्या की गई है।
हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस ने किसी भी धार्मिक एंगल से इनकार किया है। हत्या कस्बे के MIDC इलाके में एक खुले भूखंड पर हुई। हमलावरों ने उनके सिर में गोली मार दी, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद हमलावर सूफी बाबा की SUV में ही सवार होकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर हथियारों की तलाश शुरू कर दी है। एकनाथ शिंदे जैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहली बार अपने घर ठाणे पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। उनकी पत्नी लता एकनाथ शिंदे ने उनका स्वागत ड्रम बजाकर किया। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में दिख रहा है कि मुख्यमंत्री आवास पर लगे ड्रम को बजाती नजर आ रही हैं। एकनाथ शिंदे 3 सप्ताह पहले शिवसेना के बागी विधायक के रूप में घर से गए थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने वाले शिवसेना में तख्ता पलट के बाद उन्होंने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बीती रात करीब 9:30 बजे जब वो ठाणे पहुंचे तो आनंद नगर में उनके स्वागत के लिए समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई और उनकी कार पर फूल बरसाए गए। भारी बारिश में उनका स्वागत करने के लिए भीड़ ने कई घंटों तक इंतजार किया। एकनाथ शिंदे ने आनंद आश्रम में आनंद दीघे को श्रद्धांजलि भी दी। दिल्ली में अगले साल शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। ये फेस्टिवल 28 जनवरी को शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इस आयोजन की घोषणा की। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि इस फेस्टिवल से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का शॉपिंग फेस्टिवल 28 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। इसमें हर उम्र के व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ मिलेगा। दिल्ली के इस फेस्टिवल में दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। ये इस किस्म का फेस्टिवल होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ये देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए और दिल्ली से बाहर रह रहे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी और एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान लेके आया हूँ। जो जो लोग दिल्ली में हैं उनको बहुत खुशी होगी सुन के, और जो दिल्ली के बाहर हैं वो फरवरी के महीने में दिल्ली आने की प्लानिंग कर लें। अपना ट्रैवल जाएगा, सभी दुकानें सजेंगी, दिल्ली के सभी मॉल्स को सजाया जाएगा, दिल्ली दुल्हन बनेगी। सो जैसे मैंने कहा कि इसमें सभी बाज़ारों में सभी दुकानों में प्रोडक्ट्स के ऊपर हैवी डिस्काउंट्स होंगे। इसमें कई सारी प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, प्रोडक्ट्स के साथ साथ प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। आध्यात्म के ऊपर प्रदर्शनी होगी, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, गेमिंग के ऊपर प्रदर्शनी होगी। आजकल जो गेम्स हैं, कंप्यूटर गेम्स स्पेशली, टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रदर्शनी होगी, वेलनेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर प्रदर्शनी होगी, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाएंगे, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट युवाओं के लिए, परिवार के लिए। देश भर से और दुनिया भर से टॉप के आर्टिस्ट्स को इनवाइट किया जाएगा। इस एक महीने के अंदर 200 कंसर्ट्स, 200 कार्यक्रम एंटरटेनमेंट के वहां पे किए जाएंगे। स्पेशल ओपनिंग सेरेमनी होगी, स्पेशल क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जिसमें हजारों लोग उन्हें अटेंड करेंगे। और दिल्ली अपने खाने के लिए मशहूर है। यहाँ पे हर किस्म का खाना मिलता है, हर तबके का, हर किस्म का, हर देश के हर ज्योग्राफी का खाना यहाँ पे मिलता है। साउथ इंडियन का मिलता है, मराठी, गुजराती, वेस्ट बंगाली, हर किस्म का खाना मिलता है। तो दिल्ली के इस फेस्टिवल के अंदर खाने के ऊपर स्पेशल फूड वॉक्स, स्पेशल एरिया होगा जहाँ पे खाने का इंतज़ाम, स्पेशल फूड वॉक्स का इंतज़ाम किया जाएगा, जिसमें दिल्ली के और बाहर के भी सभी नामी गिरामी रेस्टोरेंट्स और होटल इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट करेगी। दिल्ली के लोग, कॉरपोरेट्स, व्यापारी, बिजनेसमैन, सरकार, सब मिलके एक तरह से पार्टनर के रूप में काम करेंगे। एक यूनिक पार्टनरशिप होगी ये। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब दिल्ली वाले इसकी अब तैयारी शुरू करें, मेज़बानी करने की तैयारी शुरू करें। दिल्ली का फेस्टिवल
की तैयारी शुरू करें सभी दिल्ली वाले, और जो दिल्ली के बाहर रह रहे हैं वो सब लोग तुरंत अपनी टिकट बुक करना चालू कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त फ्लाइट की टिकट ही ना मिले। राजस्थान में अजमेर दरगाह के एक खादिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। खादिम ने निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा का सिर काटने वाले को कैमरे के सामने अपना घर कथित तौर पर देने का ऐलान किया था। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद विवाद छिड़ गया था। देश के साथ साथ विदेश में भी इस टिप्पणी को लेकर आक्रोश देखने को मिला था। एक वीडियो क्लिप को लेकर सोमवार रात FIR दर्ज होने के बाद राजस्थान पुलिस सलमान चिश्ती की तलाश कर रही थी। एक वीडियो में खादिम को ये कहते हुए सुना जा सकता है, जो कोई भी नुपुर शर्मा का सिर उसके पास लाएगा वो अपना घर उसे दे देगा। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर MEd एंड BEd कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर MEd एंड BEd कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बिदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर MEd एंड BEd कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9994528-3920, 8482-1297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews247@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088-30876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहाँ घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियाँ, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहाँ पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BBB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उमरा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उमरा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और
डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उमरा ग्रुप बीबी बाजार चौराहा बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर हैदराबाद फोन नंबर्स 0402456 5786 9700786786 या फिर 9866678786 पर संपर्क करें याद रखिए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उमरा ग्रुप हैदराबाद आपको अपने घर ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आँखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है जिसके बिना घर दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स शॉप नंबर 1 और 2 गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स बिदर अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097 घर दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है और अच्छा फर्नीचर घर दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है अपने घर दुकान ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग अलमारी सोफा सेट डाइनिंग टेबल सिंगारदान ऑफिस काउंटर्स विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां बहु उपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की तुरंत चले आइए निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम शेड नंबर C1 इंडस्ट्रियल स्टेट गांधीगंज बिदर अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010 ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है आइए देखते हैं आगे के समाचार पीएम मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तकरीबन 4.5 घंटे रहेंगे इस दौरान वो बनारस में 1821 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे पीएम 3 कार्यक्रम में शामिल होंगे इसमें एक अक्षय यात्रा योजना है जिसमें बच्चों का मिड डे मील एक जगह ही बनकर वितरित होगा वो अक्षय यात्रा योजना के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे वहां वो 20 बच्चों से बात भी करेंगे भारत के लिए आज गौरव का दिन है भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गोटरेस ने बुधवार को इसकी घोषणा की लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनिकर का स्थान लेंगे रामपुर के टांडा में पुलिस ने 25,000 के इनामी वो वंचित आरोपी को एक तमंचे एक कारतूस सहित कोसी नदी बंधे के पास से गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की है कोतवाली पुलिस ने देर शाम 7:45 पर गश्त के दौरान 25,000 रुपये के इनामी आरोपी ग्राम सोनकपुर निवासी नासिर को कोसी नदी बंधे की तरफ चक्रोड़ के पास गिरफ्तार किया है उसके पास से एक गैरकानूनी तमंचा वो एक कारतूस एक मोबाइल भी बरामद हुए हैं गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ थाना पटवाई में मुकदमा दर्ज है इसमें ये वंचित चल रहा था इसके अलावा थानागंज में भी मुकदमा दर्ज है और वांछित है इस पर 25,000 का इनाम घोषित था पुलिस ने वांछित वो इनामी आरोपी को गिरफ्तार करके वो आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करके चालान की कार्रवाई की है थाना अध्यक्ष
अजय पाल सिन्हा ने बताया कि ये वांछित वो 25,000 रुपये का इनामी आरोपी था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। रामपुर से केपी न्यूज का संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। रामपुर में आयुष्मान बोर्ड बनाने के नाम पर दर्जनों ग्रामीणों के खातों से लाखों रुपये उड़ाने वाले दो हैकर रामपुर में गिरफ्तार, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर भेजा जेल। मामला थाना अजीम नगर, पुलिस ने आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर दोनों ग्रामीणों के खातों से पैसा उड़ाने वाले दो शातिर हैकर को गिरफ्तार किया है। दोनों हैकर खेमपुर गांव में बैठकर आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर आधार कार्ड लगाकर आधार कार्ड से लिंक बैंक खातों को खाली कर लिया करते थे। लाखों रुपये की ठगी करने वाले दोनों शातिर हैं, कर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रामपुर से केपी न्यूज का संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश खैर बरपा रही है। शिमला में भूस्खलन में एक महिला की मौत हो गई। दरअसल हिमाचल प्रदेश में आज सुबह बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण कई लोग लापता हो गए हैं। राज्य में गुरुवार रात से लगातार बारिश हो रही है। बादल फटने के बाद कुल्लू जिले के मलाना और मणिकर्ण का राज्य के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया है और बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों ने बताया कि जिले में 6 लोग लापता हैं। शिमला में ढली सुरंग के पास हुए भूस्खलन में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक पुरुष और एक महिला सहित दो अन्य घायल हो गए। सूत्रों ने कहा कि पीड़ित प्रवासी श्रमिक बताए जा रहे हैं। जब ये घटना हुई तब वे सड़क किनारे तंबू में सो रहे थे। घायलों को इलाज के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया है। मलबे की चपेट में कुछ वाहन भी आए। इस बीच कुल्लू और किन्नौर जिलों से अचानक बाढ़ आने की खबर है। रणवीर सिंह एनर्जी के पावर हाउस माने जाते हैं। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनके लिए एक अच्छी खबर है। इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान के रोल में एक्टर नजर आ सकते हैं। 13 सितंबर 1997 से लेकर 27 मार्च 2005 तक टीवी पर बच्चों से लेकर बड़ों तक का पसंदीदा शो शक्तिमान टेलीकास्ट किया गया था। इस शो को अब बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी चल रही है। खबर है कि इस रोल के लिए मेकर्स ने रणवीर सिंह से संपर्क किया है। इंडियन टेलीविजन के पॉपुलर शो शक्तिमान पर अब फिल्म बनने जा रही है। टेलीविजन पर शक्तिमान की भूमिका निभाकर मुकेश खन्ना ने अपने किरदार का परिचय दिया था। इस रोल की वजह से उन्हें खूब पॉपुलरिटी मिली थी। अब जब बॉलीवुड फिल्म बनने जा रही है तो इस रोल में रणवीर सिंह से बेहतर एक्टर कौन हो सकता है। शक्तिमान की भूमिका में रणवीर बिल्कुल फिट बैठेंगे। हालांकि इसे लेकर किसी तरह की कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन मेकर्स को लगता है कि सुपर हीरो के रोल में नेचुरल रणवीर ही लग सकते हैं। रिपोर्ट की माने तो रणवीर सिंह से बातचीत चल रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मंगलवार को चुटगुप्पा पुलिस स्टेशन में आगामी ईद उल अजहा के संबंध में पीस मीटिंग की गई आयोजित। कर्नाटक के हुबली में सरल वस्तु फेम चंद्रशेखर गुरुजी की हत्या, पुलिस ने दो को हिरासत में लिया। दिन दहाड़े होटल में मारा था चाकू। महाराष्ट्र के नासिक में अफगानिस्तान के मुस्लिम धर्मगुरु सूफी बाबा की गोली मारकर की गई हत्या। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर भड़काओ बयान देने पर अजमेर दरगाह के एक खादिम को किया गया गिरफ्तार। पीएम मोदी गुरुवार को होंगे वाराणसी के दौरे पर। 1821 करोड़ रुपए की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। कुल्लू में फटा बादल, हिमाचल में कई जगह बाढ़। भूस्खलन से एक की हुई मौत, 6 हुए लापता। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।